वज़ीर-ए-आज़म ने 24 बच्चों को दिए बहादुरी अवार्ड। इस मौके पर अपने संदेश में मोदी ने बच्चों से बिना थके, बिना रुके और बिना झुके अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटे रहने को कहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों में सुधार करने वाला तीसरा बीजेपी शासित सूबा बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी बीजेपी की हुकूमत। रद्द हुआ बराक ओबामा का आगरा दौरा, नहीं देखेंगे ताजमहल। अब ट्रेन में हार्ट अटैक से मौत पर रेलवे देगा हर्जाना। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सुनंदा मर्डर केस में आईपीएल कोची विवाद तक पहुंची जांच। पत्रकार नलिनी सिंह ने दी दिल्ली पुलिस को अहम जानकारी। नलिनी सिंह का बयान, सुनंदा ने उनसे अपनी मौत के एक दिन पहले आईपीएल मुद्दे का किया था जिक्र। बीजेपी नेता और साबिक मरकजी मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी हो पूछताछ। जेट एयरवेज ने यौम जमहूरिया के मौके पर कस्टमर्स को टिकट पर 25% छूट का ऐलान किया है। एयर इंडिया के 225 मुसाफिर हिफाजत से मुंबई लौटे। एयर इंडिया के जहाज के इंजन में तकनीकी खराबी आने से इसे बुदापेस्ट की ओर मोड़ दिया गया था। अगले बजट से अमीरों को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला सिलेंडर। मरकजी हुकूमत ने अपने अगले बजट में सालाना 10 लाख से ज्यादा कमाने वालों को घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। मुल्क के 20 शहरों में मुहैया कराई जाएगी वाईफाई सहूलियत। साल 2015 के आखिर तक लोग कर सकेंगे वाईफाई सहूलियत का इस्तेमाल। एप्पल के सीईओ को 50 करोड़ वेतन। आईफोन 6 मकबूल होने के बाद कंपनी की बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है, जिसका इनाम कुक को मिला है। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को भेजा नोटिस। बीसीसीआई ने नया नोटिस जारी कर एक बार फिर पिछले साल अक्टूबर में टीम के हिंदुस्तान दौरा बीच में छोड़ने के मामले में मुआवजे का भुगतान करने की मांग की है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरुनाथ मैयप्पन को दोषी करार दिया है, जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स टीम आईपीएल से बाहर हो गई है। खिलाफत के आगे झुकी अमेरिकी कंपनी, अब बियर की बोतल पर नहीं होंगे गांधी। आपको बता दें, न्यू इंग्लैंड नाम की ये शराब बनाने वाली कंपनी गांधी बॉट के नाम से बियर का एक ब्रांड बेच रही थी। बोतल पर गांधी जी का कैरिकेचर बना हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर शहर में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। थाईलैंड की साबिक वज़ीर-ए-आज़म यिंगलक शिनावात्रा को दोहरा झटका। शिनावात्रा को सियासत से जहां 5 साल के लिए बैन कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मुकदमा शुरू किया है।